अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सबीर कैम खानी। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ में लेके आया हूँ, लाइक डेंटल डिपार्टमेंट है, या फिर एनेस्थीसिया है, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, या फिर ICU टेक्नीशियन है, लाइक बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ है। इसकी पूरी बेसिक डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, ठीक है? तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो जो न्यूज़ आपको चाहिए होती है या जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है ना, वो आप स्किप करते हो, वो निकल जाती है। फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप आके मेरे को मैसेज करते हो कि सर ये चाहिए, इसके बारे में बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये जद्दा के अंदर वैकेंसीज है सऊदी अरबिया के अंदर, ठीक है? तो जद्दा के अंदर एक डेंटल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज के अंदर मेंटेनेंस जो स्टाफ होता है ना, ठीक है ना, तो यानी लाइक मेंटेनेंस कोई कंपनी है, वो इसको डेंटल कॉलेज का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ठीक है? तो वो आपको ना जॉब प्रोवाइड करवाएगी, और डेंटल कॉलेज के अंदर आपका जॉब रहेगा, और मेंटेनेंस कंपनी जो इसके अंदर नाम दे रखा है कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर लेडिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो कंपनी होती है ना, वो आपको जॉब प्रोवाइड करवाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं अभी कि इसके अंदर सबसे पहले कि सीवी सिलेक्शन है या जूम इंटरव्यू हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, ठीक है? और इसके अंदर नंबर वन पे डेंटल असिस्टेंट यानी जो डेंटल डिप्लोमा होते हैं ना, उनकी नीट है, और इनकी जो वैकेंसीज है वो फीमेल चाहिए 30 यानी 30 चाहिए, और इसके अलावा अगर अपन बात करें मेल के लिए तो इसके अंदर 11 है, और टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 41 कैंडिडेट्स हैं। इसके अंदर 2 ईयर का डिप्लोमा कंपलसरी है, और जो डेंटल असिस्टेंट यानी जो इसकी जो डिग्री है वो वैलिड होनी चाहिए, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन या जितनी भी उनके पास डॉक्यूमेंट है ना, वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी चाहिए, और इसके अंदर 3,500 यानी 3,500 सऊदी रियाल सैलरी रखी गई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो डेंटल लैब टेक्नीशियन और इसके अंदर डाला ऐड किया गया है, इसके अंदर ये 10 कैंडिडेट्स हैं। इसके अंदर भी सेम आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरीज़ का, ठीक है ना, डेंटल लेबोरेटरीज़ का होना चाहिए, और सेम इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है। सैलरी इसके अंदर भी सेम टू सेम 3,500 रखी गई है, और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर CSSD टेक्नीशियन भी इसके अंदर रखा गया है। इसके अंदर क्या है कि वैकेंसीज़ हैं वो भी 10 हैं, और इसके अंदर भी सेम आपके पास 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है CSSD टेक्नीशियंस का, ठीक है ना, वो आपके पास होना कंपलसरी है। सेम इसके अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, सेम इसके अंदर सैलरी रखी गई है 3,500। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, सेम इसके अंदर भी मेल चाहिए, अप्रूव्ड 10 है इसके अंदर, यानी 10 वैकेंसीज इसके अंदर हैं, और इसके अंदर डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, ठीक है ना, आपके पास एनेस्थीसिया का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, सेम सैलरी इसके अंदर रखी गई है 3,500। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो बात की गई है वो इमरजेंसी टेक्नीशियन के बारे में बात की गई है। इमरजेंसी टेक्नीशियन जो इसके अंदर नीड है वो ओनली फीमेल चाहिए, और ये वैकेंसी की जो क्वांटिटी है वो 10 है। इसके अंदर डिप्लोमा इन इमरजेंसी नर्सिंग मेडिसिन, यानी आपके पास इमरजेंसी का डिप्लोमा होना चाहिए इसके अंदर सेम क्लासिफिकेशन के लिए, और सऊदी कमीशन हेल्थ यानी स्पेशलिस्ट लाइक जो सऊदी की एग्जाम होती है प्रोमेट्रिक, उसके बारे में ये बता रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसके अंदर भी कंपलसरी है, और इसके अंदर जो सैलरी रखी गई है वो 3,500 रखी गई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ICU यानी ICU टेक्नीशियन होते हैं ना, इसके अंदर भी फीमेल चाहिए, 10 इसके अंदर है। इसके अंदर बैचलर डिग्री दोनों चलेगा नर्सिंग के अंदर, और वैलिड आपके पास लाइसेंस वगैरह वो होना चाहिए, और इसके अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, 3,500 रखी गई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ऑपरेशन टेक्नीशियन चाहिए, ये भी फीमेल है, इसमें भी डिप्लोमा इन नर्स यानी नर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद आपको ऑपरेशन टेक्नीशियन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और इसके अंदर भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके बाद में जो लास्ट है वो नर्सिंग टेक्नीशियन, इसके अंदर भी 10 फीमेल्स की नीड है। इसके अंदर बैचलर और डिप्लोमा दोनों चलेगा, इसके अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, प्लस इसके अंदर जो सैलरी रखी गई है वो 3,500 रखी गई है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर जो टर्म्स कंडीशन रखी गई है वो ये रखी गई है कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 ईयर का है, और जो ड्यूटी रखी गई है वो 8 आवर्स के लिए रखी गई है, और एवरी वीक एक दिन आपका ऑफ भी रहेगा, ठीक है। मेडिकल की जो प्राइवेट फैसिलिटी है लाइक इंश्योरेंस वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा इसके अंदर एकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, और हिकामा आपको पता है कि ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। इसके लिए जो आपको और इसके अंदर जो सऊदी के ला एंड रेगुलेशन जितने भी हैं ना, जो एक एम्प्लॉय पे लागू होते हैं, वो सब के सब इसके अंदर
आपको फॉलो, मतलब जो भी लाइन है वो आपकी कंपनी आपके ऊपर फॉलो करेगी, उनकी जो कंडीशन है, उनके जो बेनिफिट है, इनके जो फ़ायदे हैं, वो सब आप पे वही लागू होंगे जो सऊदी के लॉ हैं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है वो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो के एंडिंग में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर मेरे को जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना वो प्रॉपर तरीके से चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको क्या कि जो PDF है ना, एक PDF के अंदर टोटल डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग भेज देते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी CV, फिर आपका डिप्लोमा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका पासपोर्ट, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर उनकी मार्कशीट वगैरह, फिर आपकी फोटोज़ वगैरह वगैरह, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट है पूरा अच्छी तरीके से आपको एक PDF में अच्छे से स्कैन करना है, ठीक है। और स्कैन करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे इजीली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रह गई है वो वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।